जब और जहां तुम्हारे भक्तगण तुम्हारे नाम का गुणगान करते हैं, उतने समय के लिए भक्तों का हृदय तुम्हारी दिव्य राजधानी बन जाता है। इसीलिए तो हम बार बार गाते हैं बाबा नाम के नाम, अर्थात तुम्हें सुनाते हैं कि तुम हम सबों के परम प्रिय सर्वस्व। तुम भी प्रत्युत्तर में गाते हो बाबा नाम के, अर्थात कहते हो सभी तुम्हारे प्रिय। बाबा नाम केवलम कीर्तन आधारित इस सांस्कृतिक प्रतियोगिता अर्थात कीर्तन गायन एवं कीर्तन आधारित नृत्य प्रतियोगिता में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस प्रतियोगिता की शुरुआत हम लोग 2009 वर्ष में किए थे और तब से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। बाबा नाम केवलम मंत्र इतना स्पष्ट संदेश देता है हम लोगों को कि हमें आत्म प्रशंसा का आदि नहीं बनना है। हम किसकी प्रशंसा करेंगे, किसका गुणगान करेंगे? जिसने सारा विश्व बनाया है, जिसने सूरज चांद सितारे ये धरती ये आकाश, जिसने सारी दुनिया बनाई है और जो इस विश्व का पालन कर रहे हैं और साथ साथ जिनके लीला धारा में सारा विश्व बारी बारी से क्रमशः समाहित होता चला जा रहा है, उस चक्रा जिसे हम परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं। बाबा का मतलब है जो हमारे सबसे प्यारे हैं। तो परमपिता निश्चित रूप से हमारे सबसे प्यारे हैं क्योंकि वे सब समय हमारे साथ हैं, जीवन में मरण में, और जिनके अंदर में हम हमेशा विद्यमान हैं। यानी कोई भी परमात्मा के बाहर नहीं है, परमात्मा के ही द्वारा निर्मित है और सभी ब्रह्ममय है, परमात्मामय है। तो उस परमात्मा की प्रशंसा हमें करनी है। वाह, हे परमात्मा, तुमने ये क्या जगत बनाया है, ये क्या धरती बनाई है, इतने पेड़ पौधे फूल पत्ती नर नारी क्या क्या दुनिया में सृष्टि करके रखा है, कैसी लीला अद्भुत लीला है। ये इस तरह से हम उनका गुणगान करते चले। तो कीर्तन का मतलब होता है कि प्रभु का, परमात्मा का, परमेश्वर का गुणगान करना। हम अपनी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे, अपना गुणगान कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अपना गुणगान करने से क्या होगा, एक छोटा सा मन है वह अहंकार से भर जाएगा और अहंकार से जहां भर गया तो उसका पतन तो अवश्य महावी है, क्योंकि मनुष्य के पतन का मूल कारण है अहंकार। और अहंकार आता है आत्मप्रशंसा करने से, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, यह कभी नहीं करने है। इसलिए जो बुद्धिमान इंसान है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो हमेशा हरि का कीर्तन करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो एक महान अध्यात्म जगत के महान हस्ती थे, उन्होंने कहा है, इस तरह का संदेश दिया है, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हमें हरि का गुणगान करना चाहिए। तो इस तरह का कार्यक्रम इसीलिए लिया गया है कि दुनिया के अंदर में आज जो भौतिकवाद छा गया है, जो भी मनुष्य के जीवन के हर एक पहलू को जो आज प्रभावित कर रहा है, तो इस तरह का कार्यक्रम होने से क्या होगा कि वह जो एक विश्व भौतिकवाद का जो फैल रहा है चारों ओर, डेफिनेटली उसको न्यूट्रलाइज करने में, उस
उसको काटने में, इसको काटने में, इस तरह का प्रोग्राम निश्चित रूप से हम अनुमोदन करेंगे। और यह पहली बार, जैसा कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आनंद मार्ग ये मनुष्य के इतिहास में कीर्तन आधारित नृत्य प्रतियोगिता आज तक किसी ने सुना नहीं। ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किया गया और निश्चित रूप से इस तरह के प्रतियोगिता के माध्यम से अध्यात्म की तरंगे इस धरती में, इस विश्व ब्रह्मांड में निश्चित रूप से प्रवाहित होंगे। और यहाँ पर यह प्रतियोगिता इसलिए रखी गई है क्योंकि प्रतियोगिता के माध्यम से ही मनुष्य की प्रगति होती है। अच्छे कामों में भी प्रतियोगिता, लोग बुरे कामों में भी प्रतियोगिता करते हैं। स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता, विज्ञान की क्षेत्र की प्रतियोगिता, कला की क्षेत्र की प्रतियोगिता, हर क्षेत्र की प्रतियोगिता, क्योंकि प्रतियोगिता ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, वो प्रतियोगिता के माध्यम से हमें इसी मिलती है। इसलिए प्रतियोगिता निश्चित रूप से होना चाहिए। और इस तरह का अध्यात्म भित्तिक यह जो प्रतियोगिता का कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हैं, आशा है कि आप लोग इसका भरपूर आनंद उठाएंगे और हर एक वर्ष और भी इसमें पार्टिसिपेशन होता चला जाएगा, इसकी कोई आशा है। यह कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं रिक्वेस्ट करूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अरविंद राय से कृपया प्रणाम करके